कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडा में रह रहे भारतीय राजनयिकों को धमकाना शुरू कर दिया है। कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को लगातार खालिस्तानियों की धमकी मिल रही है। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि हिंदू देश छोड़ दे। उसने कहा है कि भारतीय मिशनों पर हमला हो सकता है। पन्नू की धमकी को लेकर कनाडा के हिंदुओं ने जस्टिन ट्रूडो सरकार को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में पन्नू के बयानों को हेट क्राइम घोषित करने की अपील की गई है और उसके बयानों पर चिंता जताई गई है। चिट्ठी में लिखा गया है कि कनाडा का हिंदू समुदाय हरदीप सिंह निज्जर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील गुरपतवंत सिंह पन्नू के हालिया बयानों के संबंध में गहरी चिंताओं पर तत्काल आपका ध्यान देने का अनुरोध करती है। हम अधिकारियों से इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लेने का आग्रह करते हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर कनाडाई नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा को प्रभावित करता है। सोशल मीडिया पर एक घृणित वीडियो के प्रसार से हमारी चिंता और बढ़ गई है। चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि पन्नू ने अपने और अपने खालिस्तानी सहयोगियों के विचारों को स्पष्ट तौर से व्यक्त किया है। वे ऐसे लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं जो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है। ऐसे खतरे अब कनाडा के अंदर भी पैदा हो गए हैं और ये जरूरी है कि कनाडाई सरकार को इसकी गंभीरता को कम नहीं समझना चाहिए। हमें उम्मीद है कि कनाडा सरकार इस पर गंभीरता से कार्रवाई करेगी। इतना ही नहीं, चिट्ठी में आगे लिखा गया है कि क्या पन्नू के इस बयान को अभी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में लिया जाएगा।